नमस्कार, स्वागत है आपका जेके न्यूज़ पॉइंट में और मैं दीक्षा परिहार। तो आज जिस मुद्दे को लेके हम बात करेंगे वो है स्कीम रेबरे खेल को लेके। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका नाम है मोहम्मद खालिद। आपका स्वागत है मोहम्मद खालिद। धन्यवाद। तो मोहम्मद खालिद हमारे साथ जुड़े हैं, वो रेबरे खेल स्कीम जो 2015 में जब आई थी तो उसका जो मेन रीज़न था वो था ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चों की। दूसरा था कि जो स्पोर्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में उसको प्रमोट करना, और तीसरा जो हमारे यूथ हैं रेबरे खेल जो है स्कीम उसके थ्रू जो है यूथ को एम्प्लॉयमेंट जो है जॉब्स मिल सके। तो अब 2015 में शुरू हुई है, अब 2019 है, तो 3,000 अभी तक जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है हो चुकी है। पर कुछ जो है फॉल्टी प्रोविजंस हैं जिसके बारे में आज मोहम्मद खालिद जो है हमसे बात करेंगे। तो कुछ फॉल्टी प्रोविजंस हैं वो इस टाइम पीरियड को लेके हैं, बेसिक पे को लेके हैं, और तीसरा स्टडी लीव को लेके हैं। तो क्या है ये फॉल्टी प्रोविजंस, तो हम मोहम्मद खालिद से जानेंगे। तो मोहम्मद खालिद, जब रेबरे खेल जो है पूरा, तो पहला आपने हमें बताया कि टाइम पीरियड को लेके कोई फॉल्टी है जो प्रोविजन है, तो क्या है फॉल्टी प्रोविजन बताइए। मैम, एक्चुअली जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई, जी पहले तो ये इंट्रोड्यूस हुई 2015 में, जी और 2017 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ओके और इम्प्लीमेंटेशन इसका जो हुआ, इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया जी उसमें तीन चीज़ें जो हैं जो टोटली इनजस्टिस है। जी ये तो स्कीम थी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये फिजिकल एजुकेशन जी डिग्री होल्डर्स उनके लिए, बट इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ इस पे जी और वो टोटली इनजस्टिस है। जो भी आज इसमें कैसे वो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे जी हो। नंबर वन तो इसमें जो टाइम पीरियड है, हाँ जी टाइम पीरियड 7 साल का है, ओके और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 3,000 है यानी स्टार्टिंग पे। देन इसका स्टडी लीव का जो प्रोविज़न है वो आफ्टर 7 ईयर, 7 ईयर आपको परमिशन मिलेगा, देन 2 ईयर आपको स्पेंड करने हैं, उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी स्टडी के लिए। 2 साल आपको वेट करना है उसके बाद, ये आप दो कह रहे साल हैं नहीं वेट करना है, 9 साल। 9 साल वेट करना नौ साल जैसे ये बता रहे हैं कि जो 7 साल है उसमें से 2 साल के लिए इनको 3,000 जो है आपको बेसिक पे मिलती है, हाँ और 5 साल के लिए कितनी, अब 4,000। 4,000 है। हाँ तो मैंने अगर 3,000 है तो पर मंथ, अगर हम पर डे के हिसाब से लें तो कितना बनता है, वो पर डे सर 100 रुपये। 100 रुपया बनता है, जो जी कि एक ग्रॉस वायलेशन है, एक तो आपके वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, और बेसिक पे जो एक पढ़ा लिखा बैचलर किया हुआ फिजिकल एजुकेशन है जब लगता है इस स्कीम के तहत, तो पर डे उसको 2 साल के लिए सिर्फ 100 रुपया मिलता है। ये रख गया रहबरे बस। खेल में हाँ अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अपॉइंटमेंट जो होती है, अपॉइंटमेंट हमारी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो परसेंटेज बेस पे, ठीक है जिसकी बैचलर डिग्री है उसको 60% है, जिसको बीएससी प्लस ये है क्या बोलते हैं बीएड है उसको भी 60% है, जी जिसको बीपीई प्लस यानी बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड प्लस बीपीएड है उसको 65 है, ओके प्लस जिसको एमपीएड है उसको 5 पॉइंट और मिलते हैं, जिसको एनआईएस उसको 2 पॉइंट है, जिसको एमफिल पीएचडी, जी इवन इनको इसमें कुछ पीएचडी कैंडिडेट्स भी हैं जो इसमें अपॉइंट हुए, और पीएचडी कैंडिडेट्स यानी इसमें कोई सर्टन कैटेगरी जो है उसका कोई लेवल नहीं है। आप पीएचडी वाले को भी वही सैलरी दोगे, एक बीपीई जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है उसको भी वही सैलरी दोगे, ये भी इनजस्टिस है। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है हमारे संविधान में, लेकिन उसमें जो लेवल है मेजर मेजर करने का भी तो कोई मतलब पोटेंशियल मेजर करने का भी तो कोई इक्विपमेंट होना चाहिए। खालिद मुझे बताइए, जब आप रेबरे खेल के तहत अपॉइंट करते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो आप पूरा प्रोविजंस पढ़ के जाते हैं, हाँ ठीक है, तो उसके बाद आप अप्लाई करते हैं राइट। तो मुझे बताइए कि सडनली जो है उस पूरे प्रोविजन से आपको प्रॉब्लम क्यों होने लगी, आपने 2-3 चीज़ें बताई, पर ऐसा भी कहेंगे ना कि अगर कितने सारे लोग जो है वो अपॉइंट भी हुए हैं जो बेरोजगार है उनको जो है रोजगार भी मिला है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इस पे कुछ भी रेट लगाते हैं तो इतने सारे जो जिनका आमदनी जो आ रही है, जो इन अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट दी गई है, तो उस पर भी असर पड़ेगा, आपको नहीं लगता? बिल्कुल मैम, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बहुत अच्छा दूंगा। जी देखिए, जब भी स्टेट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है जी वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है वो कहीं ना कहीं इसमें लूप होल छोड़ देते हैं कि करप्शन का कैसे सबब बने। जी और वो सबब क्या है, जैसे कि रहबर तालीम आया, जी सबसे पहले जब रहबर तालीम आया, रहबर तालीम में भी ऐसे ही लूप होल रखे गए। जी ये
एज ए जोन लेवल पे इनको अपॉइंट किया गया, और रात को ही जो पॉलिटिकल लीडर थे उस समय के, रात को ही हैबिटेशन बदल जाती थी और सुबह रहबरी खेल में बचा अपॉइंट हो जाता था। और रात को ही वो डिग्री कोई उत्तराखंड से लेके आता था, कोई कहीं से उधार की डिग्री लेके आता था। फेक डिग्रीज की बात कर रहे हैं, हाँ फेक डिग्रीज की बात करें, और उसका इम्पैक्ट आज एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है, क्योंकि कोई भी गरीब अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं करवाता, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। और ऐसा ही आज हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, इनके साथ भी ऐसा ही खिलवाड़ होगा। इसका कोई प्रमोशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ तो हाईली एजुकेटेड हैं, अब वो तो किसी स्कूल में जाएंगे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको डिग्री सिर्फ डिग्री है, उनके पास डिग्री का नाम तक नहीं पता है, और वो इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट कल को ऐसा ही पड़ेगा। सो खालिद मुझे बताएं, इतने सारे लूपहोल्स हैं, इतनी सारी कमियां हैं, तो क्या इससे पहले रेबरे खेल स्कीम का किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया? अगर आपको मुश्किल आते आ रही, आपने इतनी सारी कमियां देखी हैं, तो इतने सारे लोग जो हैं इससे जुड़े हैं, क्या उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आई? मैम इसलिए तो इस स्कीम में प्रोसेसिंग में इतना टाइम लगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अभी तक कहीं कहीं आरटीआई फाइल्स हैं, कहीं केस चल रहे हैं, कुछ केस वापस हो गए, इस पे केस लगाया था कश्मीर से लगा था, अभी कठुआ की लिस्ट आउट नहीं हुई है, रियासी की लिस्ट आउट नहीं हुई, रामबन में इस पे केस चल रहा था, हर जगह हुआ, लेकिन मैम तो खालिद आपका भी अपॉइंटमेंट हुआ रेबरे खेल के थ्रू, पर अब आप वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है मैम कि अगर मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा, इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो भी बॉडी है, जो भी कोई पॉलिसी क्रिएट करती है, हम सैक की डिसीजन को देखें या JKPSC को देखें, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। और ऐसे ही यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में जो ये स्कीम निकाली इन्होंने, अगर मैं अभी कंटिन्यू करूँगा, मेरा अभी बैचलर डिग्री हुआ है और BPED हुआ है, कल को हम अगर किसी नेक्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी एजुकेशन नहीं है। तो हम अगर हायर एजुकेशन मतलब मास्टर्स करना चाहें, कल को नेट सेट करना चाहें, तो उसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे जब हमें उसमें स्टडी लीव ही नहीं रखा गया है? हमें तो 7 साल के लिए एक टाइम पीरियड दिया गया, 7 साल आपने ये करनी है जॉब, देन हम आपको इसमें ये भी है, ये मेंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इस पर मॉडिफिकेशन कर सकती है, इवन इसको कैंसिल भी कर सकती है, लेकिन कैंसिल नहीं होती है, क्योंकि आज से पहले जितनी स्कीम्स आई, पहले तो ये अनपढ़ युवा मतलब भर्ती कर देते हैं, देन क्या करते हैं, ये एक स्टेट गवर्नमेंट का एजेंडा है कि जो इनका कंसोलिडेटेड फंड होता है उसको कैसे यूटिलाइज करना और अपना कहाँ पे मतलब अपना पैसा बचा के कहाँ पे हड़पना है, क्योंकि 3000 वैकेंसीज निकाली इन्होंने और अभी इसका सेकंड फेज आने वाला है, सेकंड फेज आएगा उसमें भी ये भर्ती कर लेंगे, और कल को 7 साल तक इनको 3,000 और 4,000 में युवा मिल रही है काम करने के लिए, क्योंकि इनके पास अभी नए स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं और भी किए हैं, अभी कल परसों आई है ये जो अपग्रेड हुए 10 कॉलेज मिलने वाले हैं और 228 जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल हैं अपग्रेड हो रहे हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि क्या कमियां हैं रेबरे खेल में और क्या जो करप्शन की जो इन्होंने बात की, तो अब जानेंगे कि मॉडिफिकेशन जो है, क्या मॉडिफिकेशंस आनी चाहिए इस पूरे प्रोविजन में ताकि ये जो है यूथ फ्रेंडली हो सके। तो अब हम खालिद से ही जानेंगे, खालिद क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम चाहते हो कि क्या मॉडिफिकेशन इस पूरे प्रोविजन में आए, स्टेप बाय स्टेप? एक्चुअली मैम मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है इसमें फिजिकल एजुकेशन में उनको, और जो लोग लग चुके हैं इसमें यानी जो अपॉइंट हो चुके हैं उनको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। और मेरी ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि जो आपने ट्रांसपेरेंसी का एक नोटिफिकेशन निकाला है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो UGSC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं तो कौन है कौन सी नहीं है, बट उसके अलावा इस पर ये भी मैं कहूँगा ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि इस पर ये भी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए कि इसमें स्टडी लीव तो होनी ही होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर एज़ पर लेबर एक्ट एक मजदूर को दिन को 300 रुपये की दिहाड़ी मिलती है, तो एक एजुकेटेड पर्सन अगर 100 ही रुपया दिहाड़ी लेता तो उसका क्या होगा, वो कैसे मैनेज कर पाएगा अपने आप को? और इस पे जो बेसिक सैलरी है
इसकी बेसिक सैलरी में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रेनिंग तो देते ही नहीं कहीं सेंटर पे, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ड्यूटी लगाई गई है वहाँ ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ साइन करवाते हैं और ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना टाइम का ट्रेनिंग होता है जो स्किप कर देते हैं लोग? मैम इसमें तो कोई प्रोविजन ही नहीं बताया कि कितने टाइम पीरियड तक आपको स्कूल एलोकेट होंगे या आपको ट्रेनिंग होगी। जैसे बाकी किसी भी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, पटवारियों को पहले ट्रेनिंग देते हैं 6 महीने 6 मंथ की, देन फील्ड मिलता है। अब ये अगर फिजिकल टीचर बनने जा रहे हैं, इसमें सारा प्रैक्टिकल वर्क है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क के लिए कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही है। स्पेशली मैं आपने डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करूँ और उधमपुर की बात करूँ, वहाँ पे तो ट्रेनिंग प्रोवाइड हुई, अभी तक स्कूल एलोकेट नहीं हुए। तो इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, देन एक एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसे पटवारी को लेते हैं, एक रिटर्न एग्ज़ाम होना चाहिए, जो क्वालिफाई कर पाए वही बंदा फील्ड में जाएगा। अदरवाइज नहीं तो वो बंदे फील्ड में चले जाएंगे जिनको कुछ करना ही नहीं आता है, तो उसकी वजह से जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे है बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक तो ये है, और देन हम बात करें बेसिक सैलरी की और इस पे मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 7 साल का है, अगर हम टाइम पीरियड का कंपेरिजन देंगे हम रहबरे तालीम के साथ या सर्विस शिक्षा अभियान के साथ, उन्होंने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10th और 12th रखी थी, देन वहाँ पे टाइम पीरियड 5 साल का और 3 साल का था, और यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखी है ग्रेजुएशन रखी है, यानी 3 साल एक्स्ट्रा है यहाँ पे ऐड है, और यहाँ पे 7 साल, यहाँ पे 2 साल और एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिए गए हैं, और 5 और 5 10 साल हो रहे हैं। 31 साल में हम जाके एमपीएड करेंगे तब तो हम अवरेज हो जाएंगे, फिर कौन सी डिग्री, ये कौन सी जॉब के लिए हम अप्लाई करेंगे, हमने तो फिर रहबरे खेल में ही रहना। शुक्रिया खालिद, हमसे ये थे हमारे साथ खालिद, जो रहबरे खेल में जितने भी कमियां हैं उनके बारे में बात कर रहे थे और क्या क्या मॉडिफिकेशन जो उनके अकॉर्डिंग आनी चाहिए इस पूरे रहबरे खेल स्कीम में, जिसमें पहला था कि बेसिक जो पे है जो 100 रुपया पर डे है वो बढ़ाए, क्योंकि इसमें बैचलर जो है पीएचडी होल्डर इन्वॉल्व होता है, टाइम पीरियड जो है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लीव, स्टडी लीव, जो बिल्कुल इनको पूरे टेन्योर में, जो 7 साल का टेन्योर है उसमें नहीं प्रोवाइड की जानी चाहिए। कैमरामैन राकेश के साथ मैं दीक्षा परिहार, जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए।